सारे घर पे सो रहे हैं और हम बाहर जाने लगे हैं इस टाइम। और ये टाइम जो है, ये मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और गाड़ी नहीं स्टार्ट करनी, ये पुराना अपना हरबा इस्तेमाल करना है, इसको धक्का दे के बाहर निकालना है हमने पहले, और फिर बाहर जाके स्टार्ट करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, अभी हम जो है वो जा रहे हैं सियालकोट। तो अभी हम सियालकोट फिलहाल जा रहे हैं, सियालकोट जाके घूमेंगे फिरेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ होता है वहाँ पर, खाएंगे पिएंगे अच्छे से, थोड़ा सा आप लोगों को भी घुमाएंगे। आप लोगों ने बस साथ रहना है, एंजॉय करना है। और गाड़ी जिस खतरे से हमने निकाली, अपने ही घर से चोरी की है, असल में वो चोरी नहीं थी, उसके पीछे कहानी है कि जब चाचू वगैरह अम्मी वगैरह जाग जाएं तो वो भी परेशान रहते हैं, वो फिर हम जब तक वापस घर नहीं जाते वो जागे रहते हैं। तो इस वजह से इस टाइम भी अभी बहुत हो गया, अभी तकरीबन ये देखें जी, अभी ये देखें टाइम, ये माशाल्लाह से 2:05 हो चुके हैं अभी टाइम। तो इस टाइम फिर जाहिर है वो फिक्रमंद रहते हैं कि इतनी रात को बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए फिर उनको नहीं हमने तंग किया, धक्का देके बाहर निकालिया खुद, और बाहर निकाल के स्टार्ट किया ताकि अंदर आवाज भी ना जाए। ये मेरे साथ मेरा कजन बैठा हुआ है, मेरे चाचू का छोटा बेटा, मेरे बिल्कुल छोटे भाई के जैसे, और वो पीछे देखे नहीं, वो फ्री फायर का चैंपियन बैठा हुआ है इब्राहिम, और वो जो है मेरा भांजा है छोटा सा, और ये मुनीब है। अभी हम जा रहे हैं इकट्ठे, हमने बहुत टाइम आपस में स्पेंड किया है लाहौर में भी और यहाँ पर भी, तो इंशाल्लाह अभी फिलहाल सियालकोट जाते हैं और आगे हम क्या कुछ करते हैं वो आप लोग देखिएगा। सियालकोट भी आप लोगों को मैं घुमाता हूँ अभी, ठीक है। बड़ा ही प्यारा माशाल्लाह से हमारा समड़ियाल बन चुका है इस वक्त, और पहले ये लाइट्स वगैरह यहाँ पर अंधेरा होता था बिल्कुल, और अभी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बना दी है। पूरी रोड एयरपोर्ट रोड है, और आगे से फिर जो है वो राउंड अबाउट से हम जाएंगे सियालकोट रोड पे, उस पर थोड़ी सी लाइट्स कम लगी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी वक्फे वक्फे के बाद लगाई हैं, लेकिन वो भी रोड बिल्कुल पूरी प्रॉपर इसी तरह तैयार है, कोई खड्डा नहीं, कुछ साफ सुथरी रोड है, मज़ेदार। ये जब हम एयरपोर्ट सेंटर होते हैं सियालकोट, तो फिर यहाँ से लोग जाते हैं गुड बाय सियालकोट। सियालकोट के लिए जाना हो तो यहाँ से ये राउंड अबाउट से लेफ्ट चले जाएंगे, अभी हमने लेफ्ट चले जाना है, और अगर वापसी को जाते हैं तो वहाँ उस तरफ फिर से हमारा समड़ियाल आ जाता है। ले जी, ये आ गए सियालकोट, वेलकम टू सियालकोट। ये प्यारा सा शहर है, ये इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत शहर बनाया है। और सियालकोट की हिस्ट्री, ये यहाँ पर हमारे जो है वो शायर मशरिक अलामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश यहाँ पर थी, फिर उनका कॉलेज जहाँ पर वो पढ़े थे वो भी यहीं पर है, मरे कॉलेज। इब्राहिम, इतनी फ्री फायर क्यों खेलते हो आप ऐसे ही? हाँ जी मुनीब साहब, अभी फिर क्या प्लान है, क्या खिलाने का प्लान है? अभी देखते हैं कुछ खुला हुआ तो। अच्छा जी, टाइम क्या हो गया? टाइम तो अभी मेरे ख्याल से ये 2:25 हो गए। चले देखते हैं, खुला तो होगा मेरे ख्याल, देखते हैं। हाँ, कुछ मिनट तो चले जी, देखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये अभी हम जा रहे हैं घड़ी चौक वाली साइड, जो मेन सियालकोट का कह सकते हैं आप फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो आपको खाने के लिए मिल सकती हैं चीज़ें वगैरह, तो वहाँ पर चलते हैं इंशाल्लाह और फिर देखते हैं क्या खाते हैं वहाँ से। इस टाइम ऐसे दिल तो कर रहा है कोई इन्हानु बर्गर खुआ पिज़्ज़े खुआ वाला सीन है तो देखते हैं क्या खाते हैं। ये देखें, ये ना सियालकोट में एक जगह बनाई हुई है इन्होंने ब्रांड्स विलेज के नाम से, यहाँ पर जो है ना हर एक ब्रांड है शॉपिंग के लिए, कपड़ों की शॉपिंग वगैरह के लिए, तो यहाँ से आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, एक ही जगह पे सारे ब्रांड्स हैं, आराम सुकून से घूम के यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। कुछ नाम वगैरह भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे वो देखें एंड्योर, इसी तरह से रोल ओवर, यूनिवर्स, ये देखें, ये ज़रा फोकस नहीं हो पा रहा, तो इस टाइम बंद है इसलिए अंदर नहीं मैं गया, वरना अंदर से डिटेल में आपको दिखाते। यूनिवर्स भी है, और वो ऊपर वाला जो एरिया है वहाँ पर कराची कढ़ाई वगैरह और ये चीज़ें, बट कढ़ाई, तो इस तरह फूड स्ट्रीट टाइप भी बनाया हुआ है इन्होंने, और इस जगह को कहते हैं ब्रांड्स विलेज। बड़ी प्यारी सी जगह है। टाइम पे असल में नहीं आए हम लोग, ये तो अचानक से प्लान बन गया, अभी चलते हैं, टाइम पे आएंगे इंशाल्लाह किसी दिन, फिर जो है वो बनाएंगे सारा प्रॉपर डिटेल में। मज़े की एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम सियालकोट आने लगे थे ना इस टाइम, तो हमने सोचा कि इस टाइम जा रहे हैं काफ़ी लेट हो गया है, तो क्या करें, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फिर वही स्पिन द व्हील वाला अपना ओपन किया, येस और नो, तो इसको जब हमने स्पिन किया उस वक्त इसने नो दिया था, ये अभी मैंने स्पिन किया है और अभी फिर इसने नो दे दिया है, फिर हमने बेस्ट ऑफ थ्री पे हम गए, बेस्ट ऑफ थ्री भी हम हार गए, बेस्ट ऑफ थ्री के बाद बेस्ट ऑफ फाइव पे गए, बेस्ट ऑफ फाइव पे भी नो ही दिया इसने, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बनाना है जाके जो है ना वो व्लॉग,
मजेदार करके तो इसलिए चलना पड़ेगा। ये हमारे भांजे साहब को हम लाए थे एंजॉय करने के लिए शायद नींद में, और फ्री फायर एक तो बहुत ज्यादा खेलते हैं। इब्राहिम आपकी आईडी कितने की होगी इस टाइम? 5,000 की। देख लें अभी से इसकी आईडी जो है ना इतनी महंगी, फ्री फायर जो गेम है ना उसकी है। फ्री फायर गेम का मुझे तो नहीं इतना पता, बच्चों को ही ज्यादा पता है, और जो जो ऑडियंस में जिस जिसको मेरे पता होगा। तो इब्राहिम मजा आ रहा है फिर अभी? अच्छा नींद तो नहीं आ रही? नहीं आ रही। और मुनीब साहब ड्राइविंग कर रहे हैं फुल टाइम। ये बड़ी इन्होंने जो है ये कौन सी पोलो क्लब वाली शर्ट पहनी हुई है, और ये हमारी जो है आगे सीन पहुंचने वाले। बस ठीक है, पहुंच गए तकरीबन। अच्छा ये अब आगे ये रोड हमारे पास, इधर से हम अगर लेफ्ट हो तो अपने गड़ी चौक पे जाते हैं, और राइट में अगर जाएंगे ना तो उस तरफ जाके लामा इकबाल कॉलेज आएगा, मरे कॉलेज, बल्कि लामा इकबाल नहीं उसका नाम, मरे कॉलेज है। लेकिन उस तरफ अभी जा नहीं रहे क्योंकि रात का टाइम है, फायदा कोई नहीं है, बाहर से सिर्फ दीवारें ही देखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह सुबह अगर चक्कर लगा कभी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और ये देखें अब ये हमारी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है घड़ी चौक वाली जो मेन रोड है उधर, सारे इधर जो है बहुत ज़्यादा फूड स्ट्रीट वगैरह इसको कह सकते हैं आप, सारे खाने वगैरह का इधर हैं, ब्रांड्स पाकिस्तानी ब्रांड्स, बॉस्को पिज़्ज़ेरिया, फिर उस तरफ जो है वो माजियो, मेजियो, न्यूयॉर्कर, डेलिश, वो HFC भी नज़र आ रहा है, रेट्रो, रेट्रो का काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह आती रहती है, और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इधर छोटी मोटी भी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम पार्लर्स वगैरह भी बहुत हैं, कोयटा टी खान बिरयानी इस तरह। अब हमारा जो प्लान है वो है कोई बर्गर वगैरह का, तो वो देखते हैं कोई अच्छा सा जहाँ से मिलता है वहाँ जाके रुकते हैं और फिर वहाँ पे खाते हैं। इस टाइम घड़ी पे टाइम खराब है 11:30 दिखा रहे हैं, ये देखें ये फोटोशूट भी चल रहा है बेहतरीन सा, टिकटॉक वगैरह भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाम बनाती है। ये चक्कर है रश आवाम का, ये 2 बजे का टाइम मैंने आप लोगों को बताया था, और ये आइसक्रीम एक पार्लर है ग्रैंडियोज, इधर देखें किस तरह से रश है, और उस तरफ है स्वीट क्रीम, स्वीट क्रीम में भी बहुत ज़्यादा रश है। इंजॉय बस करना होता है आवाम ने, पाकिस्तानी आवाम वो शेर अफजल मरवान कहते हैं ना चस बस लेनी होती है पाकिस्तानी आवाम ने, जहाँ चस मिलती है वहाँ पर चले जाते हैं, ये नहीं देखते टाइम क्या है क्या नहीं। नौजवान जो हैं वो तो इंजॉय करते ही करते हैं, फैमिलीज़ भी इंजॉय करती हैं इस टाइम। ये जो आगे एक बिल्डिंग सी नज़र आ रही है ना, ये है सियालकोट मॉल, बिल्कुल अंधेरा हुआ है क्योंकि टाइम हो गया है बंद, इसके बंद होने का, तो इसलिए ये बंद है अभी। ये मुनीब ने अभी वाइपर चलाया, तो ये एक वाइपर तो ठीक है बिल्कुल, ये एक वाइपर पता नहीं किस तरह से उतर के साइड पर चला गया अभी ये वही लगा रहे हैं, और ये एक दफ़ा लगा लें फिर आगे चलते हैं। लेकिन एक मज़े की बात यह है कि जहाँ पर हमने पहले जाना था बर्गर खाना था, प्लान बनाया था मुनीब ने से चीज़ नाम करके, इस तरह से है कुछ से चीज़, तो वो तो बंद है, वो नहीं अभी ओपन क्लोज बंद हो चुका है, टाइम भी बहुत हो गया, तो इसलिए अब इस तरफ जा रहे हैं वापसी, तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिलता है। अब एक बहुत मज़े का सीन हो गया है, अभी हम आए हैं इधर सियालकोट, तो यहाँ पर हम एक जगह रुके थे, पहले तो वो बर्गर वाली जगह पर मैंने आप लोगों का से चीज़ जहाँ वहाँ से तो नहीं मिला, फिर ये हम दूसरी जगह आए हैं जहाँ से हमने लेना था। अब वहाँ आके जब हमने अपनी पॉकेट्स में देखा तो बिल्कुल एम्प्टी थी, और सिर्फ ये एक 500 का नोट निकला है। अब ATM कार्ड भी नहीं लाना भूल गए क्योंकि रात के टाइम निकले हैं, तो इसी तरह निकल गए, ये भी 500 पता नहीं वैसे ही पॉकेट में रह गया था तो निकला है, वॉलेट भी घर पे ही है, कुछ भी नहीं लाए, सिर्फ चाबी उठाई थी और आ गए। दूसरा ये कि हम ऑनलाइन तो पे कर सकते हैं, लेकिन मुनीब ने अब एक चैलेंज दे दिया है, और मुनीब ने अब कहा है कि अब ये जो 500 है ना इसी के साथ आपने जो है ना वो नाइट पूरी सर्वाइव करना है, चैलेंज उसने दे दिया है, अब इसी में ही हमें पूरी जो है वो रात स्पेंड करनी पड़ेगी, मतलब जब तक हम घर नहीं जाते, और यही 500 में ही अब जो यहाँ पर खाएंगे कुछ जो कुछ मिल गया वही खाने, और अब हम 3 लोग हैं तो अब देखते हैं क्या कुछ लेते हैं। वैसे 500 में हो जाएगा लेकिन मिलेगा क्या 500? यही तो कुछ भी नहीं, यही तो सवाल है मिलेगा क्या, तो चले ढूंढते हैं क्या मिलता है। सियालकोट में आए हैं, मिल ही जाएगा उम्मीद है, 500 ठीक है मेरे ख्याल से, और खाना भी है ना, बर्गर खाओ तो शावरमा खाओ, है चीजें खानी है, देखते हैं चलो देखते हैं इतने में कुछ मिलता है। 3 बंदे हैं और लेंगे भी तीनों अलग अलग, ये चैलेंज हो गया, मुनीब ने ही चैलेंज दिया तो ठीक है ओके। पहला स्टॉप ये आइस ब्लेंड है, आइस ब्लेंड से है कोई चांस कुछ मिल सकता है? नहीं कुछ नहीं, ये यहाँ तो मेरे ख्याल से एक आम जूस भी 450 की प्राइस का होता है, आगे देखते हैं। ये जी यहाँ पर ये एक जगह रुके शावरमा वगैरह, और आप ये देख लें शावरमा की भी प्राइस इतनी कम है,
इतनी मतलब ज़्यादा है, 250 का एक शावरमा है, चिकन चीज़ बर्गर 350 का है, और मतलब ये भी जो है ना नामुनासिब, ना लेने वाली चीज़ है, फ्राइज भी 350 के हैं, वो तक नहीं ले सकते हैं। तो आगे चल के और कुछ देखते हैं यार। ये HFC वगैरह ये भी महंगे होते हैं वैसे, फिर रेट्रो पिज़्ज़ा, रेट्रो पिज़्ज़ा वैसे 1000 से ऊपर चीज़ नीचे उससे कम में आनी नहीं। ये जी अल्लाह मालिक रेस्टोरेंट है, बंद हो गया ये भी इस टाइम, इसके साथ कॉटेज खुला हुआ है, लेकिन ये कॉटेज वगैरह ये भी महंगे हैं, इससे से नहीं कुछ मिलना। वैसे हम कोई सुपर मार्ट वगैरह शॉप उधर से भी कुछ ले सकते हैं खाने को, सैंडविच लेज तो बॉयकॉट है ना, लेज चीटोज ये सब बॉयकॉट है। और आप लोग को एक दफा फिर रिमाइंडर करवा देता हूँ, अगर याद कराई दी मुनीब ने तो, लेज हो गई, कोक हो गई, सारा कुछ बॉयकॉट है। हमने इस दफा ईद बड़ी मुश्किल से गुजारी है। एक जगह पे हम आए किंग पिज्जा एंड बर्गर, यहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री है। अंदर चल के देखते हैं इनका मेन्यू वगैरह, और टाइम भी बहुत हो गया, देखते खुला भी है कि नहीं। टोटल मेन्यू पे बाय वन गेट वन है, अच्छा प्राइस। असल में ना भाई ने चैलेंज दिया है 500 के अंदर अंदर ही जो है वो आपने खाने हैं आज क्या? कुछ भी तो इसलिए मैं देख रहा था इसमें रीजनेबल, अगर शावरमा कोई है शावरमा दे देता हूं आपके। कितने के आएंगे वो? वो 400 के आएंगे, लेकिन हम तीन लोग हैं। अच्छा, तीन लोगों ने 500 के अंदर खाना है, तीन शावरमे खाने हैं। हाँ है पॉसिबल? पॉसिबल ये मेन्यू है, ये तो एक्सपेंसिव लग रहा है। अच्छा यहाँ पर अभी रुके हैं, ये छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगे होते हैं ना उन्हीं में से ही लेना पड़ेगा। प्लान ये बना हुआ है, डिफरेंट चीज़ें लेनी है, उसमें जो है वो एक शावरमा, शामी बर्गर लेंगे और फ्राइज लेंगे। चलते हैं देखते हैं, आ जाओ इब्राहिम, मिलता है या नहीं मिलता है इस टाइम। यहाँ पर आए हैं हम, है तो ये मज़े की जगह, यहाँ पर देखते हैं प्राइस क्या, इतने में मिल जाते हैं हमें या नहीं मिलता। वैसे तो जिंगर भी है, शावरमा भी है, फ्राइज भी है और शामी बर्गर है। तो जी इस चैलेंज में हम कामयाब हो गए हैं, और ना सिर्फ एक चीज ली है बल्कि ज्यादा सारी चीजें ले ली है। ये शावरमा लिया है, एक एक इसलिए लिया है ताकि ज़्यादा चीज़ें टेस्ट कर सकें। ये शावरमा है, इसके साथ वाइट सॉस दिए उन्होंने, और फिर ये है अंडा शामी, अंडे वाला बर्गर जिसको कहते हैं। ये देखें, ये भी अभी खाते हैं, और साथ में तीसरी जो हमारे पास चीज़ है वो ये है, हमारे फ्राइज आ गए, और साथ में ड्रिंक में हमने पानी लिया सिंपल, ठीक है। तो ये 500 में ये सारी चीज़ें आई हैं, और ये हम तीन बंदे जब खाएंगे तो मेरे ख्याल से इनफ होगा। ये ऐसे ही है तो शुरू करते हैं पहले, है मुनीब चैलेंज कंप्लीट हो गया, जबरदस्त हो गया इब्राहिम हैप्पी? यस। तो अभी ये शुरू करते हैं इंशाल्लाह, और ये तीन बंदे सही पेट भर के खा सकते हैं मेरे ख्याल से। ये लें जी, ये फ्राइज हैं, बड़े मजे के हैं, गरम गरम क्रंची क्रंची। मजेदार है ये, साथ में एक व्हाइट सॉस देते हैं, मायोनीज कहते हैं इसके साथ। ये फ्राइज लगा के खाने का ना अपने ही मजा आता है। जैसे अल्बेट की गार्लिक सॉस है ना वैसा जायका आता है। अच्छा जी ये अभी जो है वो बर्गर टेस्ट करने लगे हैं, बहुत मजे का है। ये वो वाला है जैसे हाईवेज में लगा होता है, तो वहां से खाते हैं तो वैसा टेस्ट दे रहा है, बहुत मजे का लेकिन है ये। बीच में अंडे का भी टेस्ट आ रहा है, शामी भी डाला हुआ इन्होंने उसका भी आ रहा है, सैलेड वगैरह का थोड़ा डाला है वाइट सॉस। ये देखें जी ये शावरमा एक ऐसे जूसी सा बनाया हुआ है इन्होंने, चिकन अंदर डाला है और ये वाइट सॉस वगैरह स्पाइसी, इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा है। स्पाइसी और जूसी, बहुत ज़्यादा सॉस इसमें डाली है। सिर्फ एक मसला है सऊदीया के शावरमे से और पाकिस्तान के शावरमे में एक फ़र्क है, ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है, जूसी होता है, तो ये बहुत चांसेस होते हैं जो इस तरह से निकलने, इसका जो सारा अंदर वाला मटेरियल निकलने के चांसेस होते हैं, इसको बड़े ध्यान से खाना पड़ता है। तो बहुत मज़े की ये चीज़ें आई हैं। रेटिंग अगर मुझसे पूछो तो मैं तो अंडे वाले बर्गर को दूंगा 3.5, शावरमा को 4, और ये फ्राइज, लेकिन फ्राइज अकेले नहीं सॉस के साथ, ये भी 4, ठीक है। आउट ऑफ 5
रेटिंग बर्गर को 3.5 अच्छे मजे के 4 शावरमा है ही बड़ा मजे का, सबका फेवरेट है। फ्राइज का? और फ्राइज का हाँ बताओ, विद सॉस? फ्राइज विद सॉस ही, विदाउट सॉस नहीं मजा। विद सॉस कितने का फ्राइज? 5 बड़ा 5, वाह। फ्रेंड वैसे रेटिंग बताओ, रैंकिंग? 5 सबकी 5 है। वेरी गुड, इब्राहिम को सारी चीजें पसंद आई। भूख लगी थी इब्राहिम को, सही भूख लगी थी बेचारा, इस टाइम तक हमारे साथ जाग रहे। वैसे भी ये जागते ही इतना मासूम नहीं है। चले जी फिर, अभी आपको फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। जरा खाना पीना फ्री कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। ले जी अब आ गए हैं घर, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, फजर की अजानों की आवाज़ आने लग गई है, और अब आराम करेंगे नमाज पढ़ने के बाद इंशाल्लाह। फिर आपने वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके बताएं कैसा लगा चैलेंज आज का, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।